तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम संगच्छ ध्वं संवद ध्वं समो मनांसि जानाना उपासते। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, आंखों पर रखेंगे, उसको मोड़ लें। केवल पैर की उंगलियों पर ध्यान देते जाएं, उंगलियां मोड़ेंगे और वापस खोलेंगे। वापस मोड़े और खोले। इसी प्रकार एक बार वापस ले लेंगे। यह सती संचालन का अभ्यास है। आजकल जो भी हम भोजन के माध्यम से बहुत ही सरल अभ्यास है, जल्दी हम योगाभ्यास शुरू करते हैं। इस प्रकार घुमाएं अपने पूरे पैर के पंजे को, सामने को उठाएं, दोनों में से आवाज आ रही है उसे महसूस करें। शास्त्र कहता है शरीर माध्यम फल जन साधन। जितने भी कर्म काम हो, जितने भी पदार्थ हैं, उनको प्राप्त करने का माध्यम हमारा शरीर है। शरीर को जितना हम स्वस्थ रखेंगे उतना ही हमारे वापस लेते जाए। इसी अभ्यास को हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। जो हमारी अति प्राचीन विधा थी, जिसके बल पर मनुष्य मात्र को स्वस्थ रहने की स्थिति हमारे ऋषि मुनियों ने विश्व में पैदा की थी, वो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। कुछ ही लोग उसे कर पा रहे थे। मैं ऐसे अवसर पर अपने देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं और उनको शुभकामनाओं के साथ आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारी इस अति प्राचीन विधा को विश्व स्तर पर परिचय कराया है। आज हम ही नहीं, विश्व के वो लोग जो पहले हमारा एक किस्म से मखौल उड़ाते थे, योग क्या है, देश नंग धड़ंग बाबाओं का देश है भारत, को इस तरह से कई देशों ने मजाक बनाई, आज वो सब लोगों ने इस योग को अपनाया है। इस समय पूरा विश्व जिस तरह से हम योग कर रहे हैं उसी तरह से योगाभ्यास कर रहा है। इतना ही नहीं, सारे विश्व के मानव मात्र ने अपने को स्वस्थ रखने के लिए कोरोना काल से तो लगातार योग करना प्रारंभ कर दिया है और कई लोग तो पहले से भी इसको लगातार करने लगे थे। तो इसलिए हम बहुत भारतवासी बहुत ही सुखद अनुभव करते हैं कि हमारी जो विधा थी योग की, वो विश्व स्तर की विधा बन गई है। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनको शुभकामनाएं। प्रभु उनको तो दीर्घायु बनाए, साथ में मानव मात्र को, पूरे विश्व को दीर्घायु बनाए। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज योगाभ्यास कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।